भारतीय जीवन बीमा निगम अनुसूचित जाति एवं अधिकारी कल्याण संघ के संयुक्त तत्वाधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान गोरखपुर विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर चंद्रभूषण अंकुर सहित अन्य लोगों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर श्रद्धांजलि दी, जिसके संबंध में गोरखपुर विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर चंद्रभूषण अंकुर ने बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान की रचना की थी। उन्होंने गरीब तबके के लोगों के लिए बहुत ही अच्छे कार्य किए थे। वह हर एक गरीब व्यक्ति के बारे में सोचते थे और उनके हक की लड़ाई लड़ते थे। उनकी जयंती पर हम लोग उन्हें शत शत नमन करते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर चंद्रभूषण एवं डॉक्टर रणधीर रंजन ने कहा, अधिकारी कल्याण संघ है, इसके मंडलीय अध्यक्ष रामचंद्र जी से अनुरोध करूंगा। तो बहुत ही संगठन काम करता है। आपने कहा कि हमारे जो संगठन के नेतृत्व है अशोक कर इस संगठन के अध्यक्ष थे। हम लोग इनकी बड़ी धूमधाम से विदाई करना चाहते थे। पिछले मीटिंग में तय हुआ था। बड़े भाई अमित कुमार जी, बड़े भाई श्रवण कुमार यादव जी, गोरखपुर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती तो पूरे साल ही मनाई जाएगी और इसके सिलसिले की शुरुआत 16 अप्रैल से हुई थी। और बाबा साहब या किसी की भी जयंती जब हम मनाते हैं तो बेसिकली हमारा पर्पज़ ये होता है कि हम उनको याद करते हुए और उनके द्वारा किए गए कामों की प्रासंगिकता की अपने वर्तमान समय में तलाश करते हैं और देखते हैं कि हमको वो उन्हीं लोगों की ज़्यादातर जयंतियाँ मनाई जाती हैं जिनका कोई ना कोई ऐसा इतिहास में कंट्रीब्यूशन रहा है जो एक कालजयी कंट्रीब्यूशन। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो अभी भी बाबा साहब ने जो काम शुरू किया इस देश के वंचित तबकों, वंचित समूहों, कहने को तो वो दलित लोगों के नेता के तौर पर उनको प्रोजेक्ट किया जाता है, पूरी हिस्ट्री में एक बहुत बड़ी आयरनी है कि एक आदमी जो सिर्फ SC ST के लिए नहीं बल्कि पूरे ही वंचित समाज के लिए हिंदुस्तान के इंक्लूडिंग महिलाओं के जिन्होंने लड़ा हो और जिन्होंने उनके अधिकारों के लिए लंबे समय का और मजे की बात है कि हिंदुस्तान के सारे ही लोग संविधान के माध्यम से जो बिना मांगे बिना लड़े जो अधिकार यहाँ मिल गए। यूरोप में हम लोग देखते हैं तो वो अधिकार तो बहुत लंबी लंबी लड़ाई के बाद मिले हैं, चाहे वो वयस्क मताधिकार का मामला हो, चाहे वो आपको लीव का मामला हो, छुट्टियों का मामला हो, अच्छे बेहतर काम के माहौल का मामला हो, ये सब हिंदुस्तान में अगर मिल गया तो वो हम संविधान से बिना मांगे बिना लड़े लोगों को मिल गया तो लोग उसका शायद महत्व नहीं समझते। और बाबा साहब के इस काम को कि जो उन्होंने शुरू किया था वो अभी भी बहुत ज़रूरी काम है। तो उस काम को हम जब भी उनकी जयंती मनाते हैं तो एक तरह से जो लोग भी आते हैं वो एक तरह का कमिटमेंट प्रदर्शित करते हैं कि हम उस काम को भूले नहीं हैं, उस काम को आगे बढ़ाएंगे। तो इसी कमिटमेंट के तहत हम सब मुझे लगता है कि यहाँ हैं कि हम उनके कामों को न सिर्फ याद कर रहे हैं बल्कि उस कामों को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करने वाले लोगों में अपने को रखते हैं। डॉक्टर अलख निरंजन, भारतीय जीवन बीमा निगम अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ गोरखपुर के तत्वाधान में तत्वाधान में बाबा साहब की जयंती का समारोह आयोजित है और इस समारोह में हमारे विश्वविद्यालय के मुख्य अतिथि आए हुए हैं और इसमें बाबा साहब के विचारों पर, उनके कार्यों पर और समाज के प्रति उनके योगदान पर बातचीत हो रही है। सर क्या क्या जानकारी? इसमें जो बाबा साहब का योगदान है समाज के लिए, जैसे भारत के लोकतांत्रिकरण के लिए बाबा साहब का योगदान है, संविधान निर्माण के लिए बाबा साहब का योगदान है, एडल्ट फ्रेंचाइजी के लिए समाज का योगदान है, इसी सबको हम याद किया जाएगा, बाबा साहब के प्रति एक श्रद्धांजलि दी जाएगी।